नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीबी मुक्त भारत बनाने के आह्वान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने रोटरी क्लब अम्बाला सेंट्रल की ओर से 502 टीबी मरीजों को दिए जाने वाले राशन की दो गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर अम्बाला के सीएमओ यानी स्वास्थ्य विभाग के हवाले कर दिया। रोटरी क्लब अम्बाला सेंट्रल की ओर से किए जा रहे इस कार्यक्रम की प्रशंसा हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी कर चुके हैं, जिसके लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने महामहिम की ओर से क्लब के लिए जारी प्रशस्ति पत्र क्लब सदस्यों को देकर उन्हें सम्मानित किया। रोटरी क्लब ने इस मुहिम के तहत अम्बाला के सभी 502 मरीजों को 6 माह तक दिए जाने वाले राशन को क्लब के सदस्यों की ओर से दिए जाने की घोषणा की। भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया कि भारत को टीबी मुक्त बनाना है, जिस पर हाल ही में हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी रोटरी क्लब अम्बाला सेंट्रल के कार्यों को सराहा था। देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए रोटरी क्लब अम्बाला सेंट्रल भी निरंतर प्रयास कर रहा है। रोटरी क्लब अम्बाला सेंट्रल के सदस्यों ने 502 अडॉप्ट किए मरीजों के लिए राशन की दो गाड़ियां अनिल विज को सौंप दी और गृह मंत्री अनिल विज ने दोनों गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया एवं उन्हें स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन को सौंप दिया। अम्बाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। सिविल सर्जन कुलदीप जी, उपस्थित सभी बंधुओं, एक बार 1835 के आसपास लॉर्ड मैकाले हिंदुस्तान आया था। उसने हिंदुस्तान के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक भ्रमण किया और फिर जाकर उसने इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भाषण दिया कि मैंने हिंदुस्तान में एक कोने से दूसरे कोने तक यात्रा की है, मैंने किसी को भी भीख मांगते नहीं देखा और किसी को भी मरते नहीं देखा। उसने कहा जिस देश की संस्कृति इतनी मजबूत हो, उस देश की संस्कृति पर प्रहार किए बगैर हम लंबे समय तक राज नहीं कर सकते। युग बीत गए, मैं काले मर गया, लेकिन संस्कृत हमारी आज भी जिंदा है। ये संस्कृति है कि मैंने आपके कार्यक्रम में आकर टीबी मुक्त हरियाणा बनाने का जो अभियान हमारे प्रदेश में शुरू हुआ है उसकी बात की और इतने सारे लोग, लगभग 500 लोग निक्षय मित्र बने हैं और उन्होंने जब तक रोगी की बीमारी खत्म नहीं होगी तब तक उन्होंने उनकी सहायता करने का संकल्प लिया है। और आज पहली जो उसकी बार यहाँ पर एक महीने का जो है सारा सीएमओ साहब को वो सामान देने के लिए आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सदियों रहा है दुश्मन दौरे यहाँ हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे यहाँ हमारा, कुछ तो है कि हंसते मिलती नहीं हमारी। ये है कि एक छोटी सी अपील पर आप लोग दिन रात लगकर, मैं देख रहा हूं कि अनीमिया मुक्त का भी आपने अभियान लिया है और टीबी खत्म करने का भी अभियान लिया है और आप पूरी तरह से इसके लिए लगे हुए हैं। मैं अपनी ओर से और हरियाणा सरकार की तरफ से आप सबका और सब दानवीरों का मैं आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।